साथ आपके पूरे शरीर की रंगत कम पड़ती जा रही है और बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो लेकिन ये रंगत है वो साफ ही नहीं हो रही है। दूसरी परेशानी ये है कि आपके फैमिली में एक या दो महीने के बाद किसी न किसी की शादी है या फिर एंगेजमेंट है और परेशान हो आप कि क्या करूं जिससे मेरी ये जो मेरा जो ये रंगत जो कम हो चुका है, जो निखार कम हो चुका है, वो फिर से वही निखार वही ग्लो जो है वो फिर से आ जाए। तो फिर बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। अगर आपको व्हाइट हेड्स की ब्लैक हेड्स की परेशानी है तो उसकी भी परेशानी से अगर जूझ रहे हो तो भी बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। हाथ को यूं करते हो चेहरे की रंगत में और हाथ के रंग में बहुत फर्क दिखता है तो भी बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत सही वीडियो है, आज का वीडियो देखना 100% मस्ट है। अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में और मैं हूँ छवि। जैसे आप सबको पता है कि मैं आप सबके कमेंट को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी वीडियो लेकर के आती हूँ या फिर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ। तो लास्ट अभी मुझे लगता है लास्ट को छोड़ दो कल और दो दिन के अंदर में ही मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। स्पेशली तीन कमेंट मुझे ऐसे मिले हैं कि मेरे चेहरे का रंग तो फिर भी ठीक है लेकिन मेरे हाथों का रंग मेरे पूरे शरीर की रंगत जो है वो कम होती चली जा रही है। मैं सोची थी कि कमेंट को पिन करूंगी, अगर मिल गया तो पिन भी कर लूंगी मैं। साथ ही साथ मुझे दूसरा कमेंट ये आया है कि आप बच्चों के सीरीज बनाइए। थैंक यू सो मच, मुझे बच्चों के सीरीज के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बच्चों के सीरीज आप बनाइए, बच्चों के सीरीज बनाइए। और 100% मैं आप सबके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि बच्चों के सीरीज मैं जरूर बनाऊंगी, बस थोड़ा सा फ्री हो जाओ। अभी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और उन सारे कमेंट को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ कि थोड़ा सा एक बार फ्री हो जाओ तब उन सबके ऊपर मैं ध्यान दूँ। तो नहीं हो सकता है इस मंथ के लास्ट में आपको सीरीज मिल जाए बच्चों के, या फिर नेक्स्ट मंथ तो 100% आपको मिलने ही वाले हैं बच्चों के सीरीज के साथ साथ। मुझे तीसरा मुझे जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है वो हेयर रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं। तो आप लोगों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए हेयर रिलेटेड जो वीडियो है मैं इस चैनल के ऊपर एक या दो मैं जरूर अपलोड कर दूंगी। बाकी के जो भी हेयर रिलेटेड वीडियो है आपको मेरे जो मेरा रिव्यू चैनल है छवि अश्विनी कुमार चैनल, तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो अभी तक उसके ऊपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तकरीबन मुझे लगता है 200 या 300 वीडियोस तो अपलोड हो चुके होंगे, बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट उस चैनल को अभी तक नहीं मिला है। तो जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइब करना 100% फ्री है। ओके, दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है कोई भी एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगी। तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, स्टार्ट कर देते इस DIY फेस पैक को बनाना। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। मेरा एक और YouTube चैनल है छवि की दुनिया, जिसके ऊपर मैं डेली ब्लॉग करती हूँ और रिव्यू चैनल के बारे में तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, छवि अश्विनी कुमार चैनल। तो जाएं और सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दुलार, थोड़ा सा सपोर्ट मेरे बाकी चैनल को भी जरूर दे। मेरे चैनल के ऊपर चल रहा है गिव अवे, तो आप मेरे चैनल को गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे हर वीडियो को आपको देखना है। और मेरे पुराने फैमिली मेंबर है और शुरू से मेरे पुराने सारे वीडियो को देखते हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नए फॉलोअर हो नए सब्सक्राइबर हो तो अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे जितने भी वीडियो हैं उन सारे वीडियो को देखें और मेरे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस DIY फेस पैक को बनाना। इस फेस पैक को बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है दोस्तों, वो इंग्रेडिएंट आपके किचन में ही है। देखिए मैं आज एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूँ जिसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगाना है, सब कुछ बस आपको अपने किचन से लेना है। किचन में जाना है, ये उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है और अपने फेस के ऊपर लगा लेना है जैसे मैं बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो खूबसूरती का जो खजाना है ना वो किचन में ही रहता है,
बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, और अगर इस्तेमाल करना आता है तो फिर हम लोग उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। भाई पूरे घर के लिए टाइम निकालते हैं, बट खुद के लिए टाइम निकालना जहाँ होता है कि हमें आलस लगना शुरू हो जाता है। अरे कौन करेगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, और जिसका आज नहीं होता है उसका कल कभी नहीं होता है। इसलिए जो है सो अभी है, आज है, इसी समय। ठीक है, तो ज्ञान की बातें हो गई, अब थोड़ा सा काम की बातें कर लेते हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए बस आपको किचन में जाना है और वहां से एक इंग्रेडिएंट लेना है, वो है मैजिकल इंग्रेडिएंट, वो पोटैटो, यानी कि आलू। अब ये जो आलू है यानी कि बटाटा जो है, ये आपके स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, साथ ही साथ इसके अंदर इतने गुण है कि नेचुरली आपके स्किन को ब्लीच कर देता है। जो पार्लर में जाके आप ब्लीच कराते हो ना, ऑक्सी हो, डिस हो, डैट हो, उसके अंदर केमिकल होता है। ऑक्सी ब्लीच को खा सकते हो, कोई भी जो ब्लीच होता है उसको आप खा सकते हो, नहीं ना, लेकिन इसको तो आप खा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज जिसको आप खा सकते हैं, ना वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, ना ही वो आपके लिए हार्मफुल है। ब्लीच आप कराते हो तो इंस्टेंट जरूर आपको आपकी स्किन में फर्क दिखता है, लेकिन एक बात कहूं दोस्तों, ब्लीच अगर आप हमेशा कराते हो तो आपको 7 साल के बाद या 8 साल के बाद या 9 साल के बाद, बहुतों को तो 6 महीने के बाद ही उनके चेहरे में आपको जलन, उनके चेहरे में उनकी रंगत, मीन्स उनकी स्किन जल जाती है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं ब्लीच से जली हुई स्किन का, तो थोड़ा सा अगर आप एफर्ट दिखलाते हो, थोड़ा सा अगर आप टाइम दिला देते हो अपनी त्वचा के ऊपर, आपके त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा। बट थोड़ा सा आपको DIY जो भी मैं बताती हूँ उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। तो ये पोटैटो ऑक्सी ब्लीच के जैसा एक बार में आपकी त्वचा को तो एकदम से व्हाइट नहीं कर देगा, लेकिन इस पैक को अगर आप रेगुलर लगाओगे तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की परेशानी, सन टैन की परेशानी, अनइवन स्किन टोन की परेशानी, सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। हो गई ना ज्ञान की बातें, फिर भी चलो कोई नहीं। तो ये जो है वो पोटैटो है, तो इसको आपको क्या करना है, पीलर की हेल्प से ऊपर का छिलका आपको हटा लेना है, उसके बाद इस आलू को अच्छे से आपको धो लेना है। धोने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हो या फिर आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हो। तो मैं क्या की हूँ, ये ग्रेटर में ग्रेट कर ली हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आपको इसको जूस निकाल लेना है इसका, तो आप कॉटन के कपड़े से करें या स्ट्रेनर के हेल्प से करें, या फिर मेरे जैसे ऐसे ही हाथों से ही कर ले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक आलू का आपको पूरा जूस ले लेना है, पूरा स्किन व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग और लाइटनिंग के तो काम में आता ही है, साथ ही साथ ये आपके चेहरे में गजब का निखार आता है। कल आज तो मैं इस ब्लॉग में एक चीज नहीं बताऊंगी दोस्तों, मैं अभी कल आप लोगों के साथ, कल नहीं, कल तो जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा ना दोस्तों, उसमें मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूंगी, जो कि मैं अभी कल डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर के पास बैठी उतनी देर में मुझे एक चीज ऐसा दिखा कि मैं बड़ी सोच में पड़ गई, और उस चीज के ऊपर मैं कल आप लोगों के साथ बात करूंगी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो। तो ये हो गया, पोटैटो जूस अच्छे से निकल चुका, अच्छा खासा निकल गया, एक आलू के अंदर से तकरीबन 2 स्पून के करीब में जूस निकल चुका है। ओके, अब जो ये हाथों में लगा है इसको क्यों खराब करना, अपने हाथों में लगा ले, हाथों की जो रंगत आपकी कम हो गई है उसकी रंगत को ये साफ करेगा, और अगर आपके हाथों में रिंकल्स की परेशानी है तो रिंकल्स की परेशानी को भी दूर करता है आलू, ठीक है। आप लोगों को जो मेरे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, रिंकल्स नहीं है आपके हाथों के ऊपर, छवि जी क्या करते हो आप, तो बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं, है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। पका के खाना आपको मिल जाता है तो भी उसे उठा के खाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको अपने हाथ का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर चाहते हो कि उम्र भर खूबसूरत त्वचा के मालिक हो, उम्र भर आपकी खूबसूरती यूं ही बरकरार रखे रहे, जो देखे बस देखता रह जाए, तो भाई थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हो गया पोटैटो जूस। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, वो मैं ऐड कर रही हूँ पोहे, यानी वही चिवड़ा जिसका हम लोग पोहे बनाते हैं। आपके किचन में रहता ही या नहीं तो लोकल मार्केट में तो अवेलेबल होता ही है। अब आप लोगों के मन में होगा कि इसे अपने फेस के ऊपर लगाएंगे तो हार्म नहीं करेगा, अरे नहीं, आप इसे खा सकते हो, तो आपके चेहरे के लिए कैसे खराब हो सकता है। ये आपके स्किन से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को निकालने की गजब की क्षमता रखता है, साथ ही साथ आपके चेहरे के ऊपर जो डेड स्किन है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो आप
फेस स्क्रब यूज करते हो उससे कहीं ज्यादा काम ये आपके स्किन के ऊपर करने वाला है, उससे कम काम नहीं करने वाला है। आपको क्या करना है, आपको ले लेना है ग्राइंडर और इसके अंदर आपको ग्राइंड कर देना है पोहे को, कुछ इस तरह से आपको ग्राइंड करना है। जब आप ग्राइंड करते हो ना तो एकदम बारीक सा जो है ना ये पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो मैं इसे ग्राइंड कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा पोहे जो है वो ग्राइंड किया हुआ खत्म हो चुका था और मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ पोहे को अपने फेस और बॉडी के ऊपर, तो मैं थोड़ा थोक भाव में ग्राइंड करके रखी हूँ। तो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट कर रही हूँ वो है पोहे का पाउडर और वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 स्पून के करीब। ओके, अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ दोस्तों वो है ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। इजली आपके किचन में अवेलेबल है और आपके स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, टाइटन करता है, साथ ही साथ बेस्ट फेस क्लींजर माना गया है बेसन। यानी कि अगर आपके पास कोई भी फेस वॉश नहीं हो तो बस आपको ये पाम में अपने बेसन ले लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए ले लीजिए और उससे भी अगर अपने फेस को वॉश कर लेते हो तो बड़े बड़े ब्रांड्स के फेस वॉश फेल हो जाते हैं, है ना। तो ये भी मैं ले रही हूँ 1 स्पून। अच्छा, जो मैं ये पैक बना रही हूँ वो सारे स्किन टाइप्स के लिए है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसिटिव क्यों ना हो मेरे जैसे। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बता ऐड कर रही हूँ उसको बड़ा ध्यान से सुने आप, वो है टोमेटो पाउडर। ये देखिए टोमेटो पाउडर है। अब अगर आपके पास टोमेटो पाउडर है, मैं तो हर्ब टॉनिक की बड़ी वाली फैन हूँ तो मैं हर्ब टॉनिक यूज करती हूँ, बट आपके पास जो भी ब्रांड हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ब्रांड का टोमेटो पाउडर नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। किचन में तो होगा ही आपको टोमेटो, ठीक है ना। तो टोमेटो लेना है, एक टोमेटो को कट करना है बीच से और उसका जूस आप इसके अंदर निकाल सकते हो आराम से। जितना पोटैटो जूस ऐड किया हो उतना ही टोमेटो जूस ऐड कर दोगे। और अगर आपको लगता है कि बेसन और जो चूरा है उसका पाउडर थोड़ा कम पड़ गया है तो इक्वल अमाउंट में आप उसे भी ऐड कर सकते हो। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून, ठीक है, जूस बोल दी थी मैं। ओके, अब मैं करूंगी इन सबको अच्छे से मिक्स एकदम अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर पोहे है तो पोहे क्या होता है फूलता है ना, तो आपका पेस्ट जो है वो थिक हो जाएगा कुछ इस तरह से, देख रहे हो आप कैसा थिक हो गया, ऐसा कुछ इस तरह से ये थिक हो जाता है। तो आप चाहे तो इसके अंदर और जूस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो पोटैटो जूस अगर आप ऐड करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर आपके चेहरे के ऊपर अगर काले दाग धब्बे हैं तो पोटैटो जूस बहुत सही रहेगा, और ओपन पोर्स की परेशानी है तो टोमेटो जूस बहुत फायदा करेगा। इक्वल अमाउंट में दोनों डाल दें, गजब का लग रहा है ना, बहुत बहुत ये इतना बेस्ट स्क्रब है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। एकदम जेंटली आपके चेहरे से ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को हटा देता है बिना आपके स्किन को हार्म किए हुए। बहुत सारे फेस स्क्रब होते हैं जिसमें एप्रिकॉट होता है और वो एप्रिकॉट आपकी स्किन को थोड़ा सा हार्म कर देता है बहुत को, क्योंकि एप्रिकॉट नहीं सूट करता है तो उसकी उनकी स्किन को तो वो छिल भी देता है, ठीक है। तो आपको थिक सा पेस्ट बनाना है, पतला पेस्ट नहीं बनाए तो बेटर है। ओके, चलिए अब इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो फेस पे अप्लाई करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपका फेस होना चाहिए एकदम क्लीन। आज तो देखो मैं कूम भी नहीं की हूँ और भूल गई मैं कूम भी करना, बस एक लिपस्टिक लगा ली, इयररिंग पहन ली और बैठ गई, दिमाग में ही नहीं था कि कूम भी करना है, जबकि मैं कूम लेके यहाँ बैठी थी, क्या कर सकते। चलिए मैं अपने फेस के ऊपर रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ, बट ये कंपल्सरी नहीं है, मुझे इसकी बहुत गंदी वाली आदत है, ठीक है। चलिए इसे लगाते हैं, आप इसे अंडर आई नहीं लगाएं तो बेटर है, अपने फुल फेस और नेक के ऊपर और पूरे बॉडी के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं। के बाद 20 मिनट रखूंगी और 20 मिनट के बाद मिलते हैं और बताते हैं कि भैया इसको आगे क्या करना है। फेस हो गया है एकदम से ड्राई,
तो फेस को करना है वॉश। बट आपको फेस को कैसे वॉश करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको फेस को हल्का गीला करना है, अच्छे से आपको गीला करना है। उसके बाद आपको अपने फिंगर्स के हेल्प से यानी कि उंगलियों के सहायता से हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको 30 सेकेंड के लिए 20 to 30 सेकेंड आपको मसाज करना है। चलिए अभी मैं करती हूँ फेस को वॉश और उसके बाद रिजल्ट देखते हैं। दोस्तों अभी जस्ट फेस को वॉश करके आई हूँ और आपको मेरी स्किन ब्राइट लग रही होगी। तो क्या करना है आपको, हल्के हाथों से फेस को करना है ड्राई। चलिए करते हैं। उसके बाद रोज वाटर या फिर टोनर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस फेस पैक को लगाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो मैं बोलूंगी कि इस फेस पैक को लगाने का बेस्ट टाइम है जब आप सार लेने जाने वाले होते हो, उसके पहले तो उसके 15 मिनट पहले आप इसे अपने फेस के ऊपर और नेक के ऊपर लगा लें। और जब आप सार लेने जाते हो उस टाइम में इस फेस पैक को आप अपने पूरे बॉडी में लगाएं, 1 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें जैसे। तो दोस्तों लाइट चली गई है इसलिए आपको लोकेशन चेंज लग रहा होगा, है ना। तो ठीक है, मैं कहाँ पे थी, तो मैं ये थी, यहाँ पे थी कि आप जब सार लेने जाने वाले होते हो तो उस टाइम में आप क्या करो, इसे अपने पूरे बॉडी पे लगा ले, 1 मिनट तक स्क्रब करें अपने पूरे बॉडी के ऊपर अच्छे से, हल्के हाथों से स्क्रब करें जैसे स्क्रब करते हैं, और उसके बाद सार ले ले। पैक को बना के लगाने की उम्र क्या है, तो अगर आपकी उम्र हो गई है 15 से लेकर 18 साल की उम्र अगर आपकी है तो आप इसे हफ्ते में एक बार अपने पूरे बॉडी पे और फेस के ऊपर इस्तेमाल करोगे, हफ्ते में सिर्फ एक बार। 19 साल से लेकर के आज के डेट में आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो आप इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करने पे ही ये आपकी स्किन में गजब का ग्लो और गजब का रिजल्ट लाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की परेशानी है तो आप देखोगे 1 या 2 हफ्ते के बाद ही आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत हद तक कम हो गए। व्हाइट हेड्स तो आपको एक बार में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैक हेड्स आप देखोगे कि 2 या 3 बार अगर इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद एकदम से धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, ब्राइट बनाएगा और सन टैन की परेशानी को भी दूर करेगा, और आपके चेहरे और हाथ के रंगत में जो फर्क है उसको भी ये ठीक करने वाला है। अब बना करके रखने की बात करते हो तो मैं कहूंगी एकदम से बना के नहीं रख सकते, डेली बनाएं, मींस जब लगाना हो तो बनाएं और लगाएं। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी, और रिप्लाई भी जिनके जेन्युइन कमेंट रहेंगे उनके कमेंट के रिप्लाई करूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूं। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा नेचुरल ब्यूटी विद छवि। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।